हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही नया एक टॉपिक लेके आए हैं। वन साइड कुर्ती हम स्टिच कराएंगे, वो भी पुरानी साड़ी से, वो भी बहुत ब्यूटीफुल। तो देखते हैं आज एक कैसा जाता है वीडियो। तो मैंने ये फोर फोल्ड करके अस्तर लिया है, तो बैक का और फ्रंट का दोनों का हमारा निकल जाएगा। तो एक्चुअली बैक में और फ्रंट में दोनों में ही सेम हमें मेजरमेंट्स लेने हैं और सेम डिज़ाइन है, तो बहुत मुश्किल है ही नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैंने 5 इंचेस का शोल्डर और 5 इंचेस का आर्म होल लिया है। तो उसके बाद मैंने 2.5 इंचेस का शोल्डर रखा है 5 में से, और मैंने ये चेस्ट लिया है मैंने 6 इंचेस, उसमें 1 इंचेस लूजिंग देके मैंने 7 इंचेस रखा है और 2 इंचेस का मार्जिन रखा है। आप कम या ज़्यादा रख सकते। तो चेस्ट हो गया, और वेस्ट में मैंने सेम रखा है 7 इंचेस और 2 इंचेस का मार्जिन और 1 इंचेस का लूजिंग दिया है। तो आपकी जितनी चेस्ट है उसमें 1 इंचेस का लूजिंग और 2 इंचेस का या 1.5 इंचेस का मार्जिन आप रख सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से किया है, तो आप भी कर सकते हैं आपके मेजरमेंट के हिसाब से। तो हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, वो हमें ऐसे ज्वाइन करने होते हैं। तो हमारा बैक का और फ्रंट का दोनों ही सेम है, तो हम दोनों एक जैसे ही सिलाएंगे। एक ही मेथड होगा दोनों का, बैक का और फ्रंट का। तो ये वन साइड टॉप है डिज़ाइनर वाला वेस्टर्न टाइप का, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसमें, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और मेरे चैनल पे बहुत ही वीडियोस है साड़ी के रिलेटेड, मैंने शरारा सिलाया है, लहंगा सिलाया है ब्लाउज के साथ, वो भी बहुत अच्छा, तो आप वो भी ज़रूर जाके देख लो और एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हमारा ये मेजरमेंट हो चुका है, तो आर्म होल हम ऐसे 7 इंचेस हमें नापना है ऐसे क्रॉस करके, और इसके दोनों तरफ से हम ऐसे छाप देंगे ताकि हमारा बैक का और दो फ्रंट का दोनों का ही अस्तर एक साथ निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं एक गला निकल आया है फ्रंट का। तो हमें क्या करना है, इसको वन साइड करना है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसा कर रही हूँ। तो आपके हिसाब से आपको ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, कहाँ भी चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो मुझे आर्म होल के ठीक हिसाब से ऐसा चाहिए, तो मैंने ऐसा शेप दिया है उसे। आप फ्रंट में राउंड भी बना सकते हैं और ऐसा वन साइड भी बना सकते हैं, आपको चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। तो एक साइड हमारी पैक आ जाएगी ऐसे नॉर्मल, और एक साइड हमारी ऐसे आ जाएगी, नॉड आ जाएगी उसमें। तो ये हमारा अस्तर का हो चुका है, अब हम इसको कट करेंगे। और उसके बाद तो इसको कट करने के बाद हम हमारा मेन फैब्रिक भी कट करेंगे सेम। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा पूरा हो चुका है फ्रंट का और बैक का भी। हमें ऐसे नेक कट करना है फ्रंट का। अब हम आर्म होल कट करेंगे एक साइड का ऐसे। तो ये हमारा टोटल लुक है, ऐसा ही आएगा डिजाइन। तो साइड का भी हमें कट करना है अभी। तो जो मैंने अभी कट करे हुए, ये मेरा नॉड का साइज है, वो हमें अच्छे से संभल कर रखना है ताकि हम उसको मेजरमेंट करके हम लास्ट में उसे तैयार कर सके नॉड को, उसके साइज का, उसके हाइट का। तो ऐसा कर करके हमें ये, तो हमारा बैक का और फ्रंट का दोनों का हो चुका है। दोनों तरफ से हमें ऐसे निशान लगाने हैं। अब हम कट करेंगे मेन फैब्रिक। तो ऐसे सेम साड़ी से मैंने स्कर्ट भी बनाया है प्लीट्स वाला, और उसके ऊपर मैंने ब्लाउज भी बनाया है। ये 6 साल की बच्ची का ड्रेस है, तो वो भी उसका भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है फुल, स्कर्ट का और ब्लाउज का, वो भी आप देख लो, बहुत अच्छा है। तो अब है स्लीव्स की बारी। तो मैंने ये नॉर्मल स्लीव्स कट की है, आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स है इसके। तो अब हमें क्या करना है, इसको पप स्लीव्स बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे इसका पप स्लीव्स किया है। ये नॉर्मल स्लीव्स है, 3 इंचेस मैंने पहले से डाउन किया था कट करके, आपको दिखाया था।
अब हम क्या करेंगे, फिर 3 इंचेस हमें डाउन करनी है स्लीव्स, तो हमारी टोटल 6 इंचेस स्लीव्स डाउन हो जाएगी। तो मैंने ऐसे शेप दिया है, 6 इंचेस स्लीव्स डाउन किए टोटल, पहले 3 इंचेस कट किए और बाद में ऐसे मार्क किए 3 इंचेस पर नीचे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर ऐसे स्टिच करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लीट्स लगानी है धागे से, आप देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ मिडल में ही हमें इसको प्लीट्स चाहिए। तो धागा कट करने के बाद हम धागे को ऐसे एक साइड खींचेंगे, तो उसके साथ अपने आप ऐसे प्लीट्स निकल आएंगी इस तरह से। और जो बाकी का पोर्शन है हमारा, वो बाद में हम कट करेंगे। तो आप ऐसे पफ बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा हाइट लेके आप ज़्यादा भी पप बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल पप बनाया है, मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और स्लीव्स के रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पर अपलोडेड है, काउल स्लीव्स के और पप स्लीव्स के भी है, तो आप वो भी देख लो। तो ये नॉर्मल सा पप मैंने बनाया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो मैंने ये टोटल हो चुका है कट करके, आप देख सकते हैं ऐसा लुक आया इसका। तो उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे अगेन। तो आप देख सकते हैं ये टोटल लुक है स्लीव्स का। तो हम अब बारी आती है फ्रंट की। तो फ्रंट में ऐसे मैंने अस्तर मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे रखा है, तो उसके ऊपर हमें स्टिच करना है। तो पहले हम नेक बनाएंगे, तो मेन पार्ट नेक का ही है यहाँ पर। तो जैसा हम फ्रंट पार्ट को करेंगे वैसा सेम हमें बैक पार्ट को भी करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बैक पार्ट पे। पार्ट में डिजाइन सेम जो फ्रंट पार्ट की है वही बैक पार्ट की है। तो मैंने पहले स्टिच किया है, उसके बाद मैं कट करूंगी और उसके ऊपर थोड़े से कट्स लगाऊंगी। और हमें अस्तर के ऊपर भी स्टिच करना है एक बार, तो मैं पहले इसको कट्स लगाऊंगी थोड़े थोड़े, ताकि वो अच्छे से पलटे और फिनिशिंग के साथ दिखे। तो कट्स लगाने के बाद मैंने अस्तर को एक साइड करके अस्तर के ऊपर सिलाई लगाई है, ताकि अच्छा लुक आता है फिनिशिंग का। कभी भी हमें डायरेक्ट स्टिच नहीं करना है, अस्तर को पलट के अस्तर के ऊपर एक स्टिच करना है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर ऐसे स्टिच करेंगे। तो बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा फिनिशिंग से दिखता है हमारा वर्क। तो अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और उसके ऊपर हमारे ये लगाना है मनी वाला लेस लगाना है फ्रंट में, बैक में नहीं लगाना है। तो फ्रंट का नेक तो हमारा तैयार हो जाएगा, और जो बाकी का अस्तर और मेन फैब्रिक है वो हमें चारों तरफ से पैक करना है स्टिच करके। तो बाकी का फैब्रिक ही हम स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक के साथ, चारों तरफ से हमें पैक करना है। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट का तो हो चुका, सेम इसी तरह से हमें बैक भी तैयार करना है। तो दोनों तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा बैक का और फ्रंट का दोनों का तैयार हो चुका है। तो बैक भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किया है जैसा मैंने फ्रंट किया है। तो फ्रंट में हम सिर्फ मनी वाली लेस लगाएंगे, आपको पास होगी तो आप लगा सकते हैं, चाहे आप दूसरी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर से, लेकिन मैंने अंदर से लगाई है तो बहुत ही अच्छा लुक आया था। क्योंकि हम ऊपर से लगाएंगे तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने अंदर से मनी वाली लेस लगाई है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, तो एक साइड से हमारा शोल्डर ऐसा है बैक और दूसरी साइड से हम नॉट लगाएंगे। तो हमारा मेन पार्ट स्टिचिंग का तो हो चुका है, अब रह गया है सिर्फ फिटिंग, और जो नीचे वाला हम जो ये लगाते हैं वही हम करेंगे। तो उससे पहले हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो हमें मिडल से ऐसे रखकर स्लीव मैंने ज्वाइन किया है, तो आप एंड से भी रख सकते हैं। तो मिडल से मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हमारी स्लीव्स इधर उधर नहीं हो जाती है,
फिर एक साथ अच्छे से लग जाती। तो दूसरी साइड से भी मैंने ऐसे स्टिचिंग किया है, और स्लीव्स के ऊपर हमें 2 टाइम्स सिलाई लगानी है ताकि वो पक्की हो जाए। तो अब हम करेंगे स्टिचिंग, वो भी फिटिंग की। तो फिटिंग के लिए मैंने ऐसे जो हमारे फिटिंग का मार्क था वहीं पर हमने वेस्ट तक हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। वो जो हमारा नीचे का मेन पार्ट है उसको भी हम सिलाई करेंगे। तो इसको ऐसे फोल्ड करके हमें स्टिचिंग करनी है। तो हमारा एक साइड का हो चुका है, दूसरे साइड का मैंने सेम इसी तरीके से कर लिया है। तो नीचे से भी हमें इसको फोल्ड करके ऐसे पैक करना है। तो हमारा ओवरऑल टॉप का तो हो चुका है, अब बारी आती है डिजाइनिंग की। तो हम जो फ्लावर लगाएंगे वो नॉड के वहां लगाएंगे। तो फिर पहले हम नॉड बनाते हैं उसके लिए। तो मैंने 5-5 इंचेस का टोटल 10 इंचेस का नॉड लिया है। ये फ्लावर भी बनाया है, उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है शॉर्ट्स का, ये कैसे बनाए वो भी आप देख लो। तो उसके बाद नॉड मैंने 5 इंचेस का लगाए हैं, तो टोटल 10 इंचेस का नॉड है। और ये फ्लावर लगाया है, और भी आप डिजाइन कर सकते हैं। और ये है फाइनल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट।